हेलो दोस्तों, आपने हैप्पी न्यू ईयर का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि किस्मत बहुत कुत्ती चीज़ है, साली कभी भी पलट सकती है। कुछ ऐसा ही घटना जमदेशपुर की रहने वाली तुलसी के साथ हुआ है। तुलसी के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। एक तो गरीबी, ऊपर से कोरोना के मार ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया। आँखों में पढ़ाई के सपने व गरीबी के चलते तुलसी ने बगल के ही आम के पेड़ से आम को तोड़कर फुटपाथ पर बेचना शुरू कर दिया। तुलसी के इस कदम से उसे पैसे तो मिलने लगे, पर उतना नहीं कि जितना उसे ज़रूरत थी। पढ़ने का भी दिक्कत था और घर में राशन नहीं था, हम लोग भूखे रह जाते थे। कभी आम बिक्री नहीं होता था तो उसीलिए आम बिक्री करते थे, तो हम लोग चावल उबल ला के खाते थे। लॉकडाउन में वो आम बेचते थे रोड में बैठ के। फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था, वो पढ़ने के लिए बच्चा तो पढ़े। तुलसी महज 11 साल की है और वह कक्षा 5 की छात्रा है। अब तुलसी की किस्मत बदल चुकी है, क्योंकि मुंबई के एक मशहूर बिजनेसमैन नरेंद्र हाटा ने उसकी एक दर्जन आम को 1,20,000 रुपये में ख़रीदा और साथ ही एक स्मार्टफोन भी खरीद कर दिया, जिससे पढ़ाई करने में आसानी हो सके। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में।